We have now a book launch here. I think they are just still deciding, so I will wait for a couple of minutes for them to give me an indication. But it's a book launch, Himalaya Pe Kabristan by Lakshmi Prasad, with Namita Gokhale, Stephen Alter, and the publisher, and many more people. So shall I? So may I invite Lakshmi Prasad, Pant on stage, Namita Gokhale, Stephen Alter, and many of his friends who are here to launch his book, Himalaya Pe Kabristan. आज हम सब यहाँ लक्ष्मी पंत जी की किताब को फेलिसिटेट और लॉन्च करने के लिए आए हैं तो स्टेज में बैठे हैं हमारे कई मित्र और वो सब दो दो शब्द बोलेंगे मगर मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि लक्ष्मी पंत जी जो पत्रकार संपादक और लेखक हैं मेरी तरह कुमाऊँवासी हैं और इसलिए मैं उनके साथ बहुत ही संबंध और स्नेह रखती से जुड़ी हुई हूँ Is that better? मेरा गला भी खराब है मैं कह रही थी लक्ष्मी पंत जी जो पत्रकार संपादक और लेखक है हमारे कुमाऊं वासी हैं और इसलिए मैं उनके साथ संबंध और स्नेह से जुड़ी हुई हूँ और उनके साथ उनके प्रकाशक हैं मेरे मित्र उदय प्रकाश हैं और अरुण महेश्वरी जी मेरे भी संपादक हैं कोई किताबों के तो स्टीफन ऑल्टर भी हमारे उत्तरांचल के सांस्कृतिक और साहित्यिक स्तंभ हैं जिन्होंने पूरे हिमालय की परिक्रमा की है और जो मसूरी लिटरेचर फेस्टिवल के संस्थापक हैं इसलिए मुझे लगा कि हिमालय के बारे में बोलने से इनके इनसे ज़्यादा काबिलियत किसी में नहीं है क्योंकि मसूरी लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो और खुद भी माउंटेनियर हैं और बहुत इन्होंने पुराने चार धाम वगैरह के बारे में जो किताबें लिखी हैं बहुत अच्छी हैं आज हिमालय के कब्रिस्तान जैसे दुखद और वेदनशील पुस्तक के विमोचन में दुख की भावना भी है और हर्ष की भी कि इस विषय की तरफ ध्यान तो दिया जा रहा है आप सबसे निवेदन है कि इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें क्योंकि हमारे हिमालय की इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बातें जो हैं जो बायोडाइवर्सिटी वगैरह वो सब हम पूरे हिंदुस्तान पे इम्पैक्ट करती हैं सॉरी मेरा गला ख़राब है मैं कुछ बोल पाई नहीं बोल पाई मैं अब रिक्वेस्ट करती हूँ लक्ष्मी पंत जी आए बोलें या पहले आप बोलेंगे मैं साथियों ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे पास एक बहुत खूबसूरत किताब है और जो बहुत मौजू भी है हिमालय का कब्रिस्तान हिमालय हजारों साल से हिंदुस्तान के उत्तर में एक बहुत बड़े प्रतीक की तरह एक मानदंड की तरह रहा है पिछले वर्षों में हमने देखा कि पहले उत्तराखंड में फिर नेपाल में बहुत बड़ी त्रासदियाँ हुई मानव जीवन बहुत बड़े रूप में प्रभावित हुआ और हिमालय को हमने अरसे तक पूजा है हमारे शास्त्रों ने हमारे धर्म ग्रंथों ने पर उस हिमालय की छानबीन उस हिमालय की उन गहराइयों में उतरना इस किताब के जरिए हुआ है ये अपनी तरह की एक अनूठी किताब है हिमालय का कब्रिस्तान जिसको दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर लक्ष्मी प्रसाद पंत ने बहुत मेहनत के साथ लिखा है हमारे बीच में स्टीफन ऑल्टर हैं और हिंदी के मशहूर लेखक उदय प्रकाश हैं जिनकी किताबें दुनिया भर की भाषाओं में अनुवादित होकर पढ़ी सराही गई हैं सबसे पहले मैं स्टीफन ऑल्टर जी को बुलाऊँगा
ताकि वो हिमालय के बारे में, हिमालय से अपने प्रेम के बारे में कुछ शब्द आपके सामने रखें। मैं शायद यहीं से बोल लेता हूं क्योंकि स्टीफन स्टेज से बोलेंगे। प्लीज माफ कीजिए, मैं थोड़ा सा हिंदी में बोलूंगा फिर आखिर में अंग्रेजी में बात करता हूं, मगर पहले मैं आप लक्ष्मी प्रसाद पंत जी को बधाई देता हूं इस पुस्तक की पब्लिकेशन पर, और मैं धन्यवाद भी देता हूं क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी किताब है। ये किताब छपी है मतलब केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी उस टाइम, दो साल बाद, तीन साल बाद अब छप रही है, मगर ये भी बहुत ही ज़रूरी है कि थोड़ा टाइम लेके इसकी कहानी बताई जाए, क्योंकि आपको भी मालूम है जितने भी हैं आप जो याद करते हैं जून 213 में जो हुआ था, उस टाइम हर न्यूज़ चैनल पर रिपोर्ट्स आ रहे थे मगर किसी को ये नहीं मालूम था कि हुआ क्या है, और आप टाइम लेके रिसर्च करके लिख रहे हैं उसके ऊपर। तो अब मैं सोचता हूँ कि जो पूरी कहानी है, जो उस बाढ़ की जो ट्रेजिडी थी, जो ट्रामा थी, वो अब एक तरह से निकली जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। What I'm trying to say, and I'll probably be able to be more articulate in English, is that this is an extremely important book about the tragedy that occurred in Uttarakhand in 2013. And it's not just that tragedy, but it's the surrounding issues that made it such a terrible and frightening experience for so many people. I think that one of the things that happened there, as many of you will remember, there was a tremendous deluge during the monsoon, early part of the monsoon. The Kedarnath temple complex and much of that area was covered with debris. The entire Mandakini Valley, the Bhagirathi Valley were all closed off. And for many days, nobody knew what was actually happening. And there were all sorts of euphemisms coming out in the press. This was a Himalayan tsunami, that there was a cloud burst and this had caused it. And what I think is very important about this book is that it's a considered reflection upon those events. It's a looking back on those events and looking at not just the event itself, but the environmental issues attached to it, the poor planning. I'm sure it'll be a controversial book on one level because it's a controversial event. And the ineffectual planning, the level of corruption, the total disregard for laws and things that had come up in terms of the construction of many of these sites, which were then ultimately buried under this debris and caused the loss of thousands of lives, I think is a very, very important issue for those of us who live in Uttarakhand. And I think it's an environmental issue for anyone who's concerned about mountain regions and fragile environments. So again, my congratulations, but also my thanks to Mr. Pant for having written this book. And I hope that we'll all get an opportunity to learn more about those tragic events from this. Yes. So thank you. Thanks. Shukriya, Stephen. Himalaya Ka Kabristan. इस किताब को बहुत कम समय में बहुत खूबसूरत ढंग से वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान इस समय भाषाओं के विकास, उनमें साहित्यिक गतिविधियों के विकास की बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा है। यहाँ बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको हिंदी किताबों की दुनिया में शायद कम जानकारी हो, लेकिन ये बताना बहुत अच्छी बात है कि वाणी प्रकाशन ने पिछले कई वर्षों में हिंदी में बहुत सारे विषयों पर बेहतरीन किताबें छापी हैं। हमारे बीच में अरुण माहेश्वरी यहाँ उपस्थित हैं जो इस किताब के प्रकाशक हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो संक्षेप में अपने कुछ विचार रखें। अरुण जी। धन्यवाद मित्रों। हिमालय को हमने एक खूबसूरत स्वर्णिम रूप में देखा है, लेकिन ये पुस्तक जब मेरे पास पहले प्रकाशन के लिए आई तो मैं सोचता रहा कि हिमालय का कब्रिस्तान ये कैसा शीर्षक है,
इस पे बहुत से लोगों से विचार विमर्श, लेकिन जब ये किताब प्रकाशन की स्थिति में आई और जब इसकी पूरी स्थिति को हमने देखा तो ये एक अद्भुत किताब नज़र आई मुझको, क्योंकि रिपोर्टार्ज लिखना हिंदी साहित्य में बहुत कम हुआ है। रांगे राघव, राहुल सांकरत्यानी या इस तरह के कुछ लोगों ने बहुत कम, धर्मवीर भारती ने बांग्लादेश के युद्ध पर अपनी यात्राओं पर रिपोर्टार्ज लिखे। तो जब ये किताब देखी, ये वास्तव में एक हिला देने वाली किताब है। ये किताब मतलब जो आप हिमालय का अभी तक हमने रूप देखा कि वो स्वर्णिम है, हिमालय बहुत खूबसूरत है, रंग बदलता है, सब कुछ है, लेकिन हिमालय ऐसा भी रंग बदलता है भारत से लेकर नेपाल तक, जब जो त्रासदी का जो रूप है वो इस किताब में पंत जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया, और पर्यावरण की समस्याएं क्या हैं इस पर भी इन्होंने बहुत खूबसूरती से इस किताब को तैयार किया। तो जब इस किताब के प्रकाशन की प्रक्रिया चल रही थी तो तब मुझे लगा कि ये किताब ऐसी किताब है कि जो आम पाठक के लिए भी एक ज़रूरी किताब है। तो अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि इस किताब के और भी संस्करण कुछ और नए तरीके से निकालें ताकि पाठकों को और भी इसमें कुछ नए इसकी उत्पादकता मिले। तो ऐसी किताब हिंदी में कम ही लिखी गई हैं और मैं इस किताब का स्वागत करता हूँ प्रकाशक के नाते तो ज़रूर ही, और लेखक के नाते भी पंत जी का स्वागत कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण किताब हिंदी साहित्य को दी। धन्यवाद। शुक्रिया अरुण जी। लक्ष्मी प्रसाद पंत बहुत अपनी व्यस्त जिंदगी में से थोड़ा समय उन्होंने लिखने के लिए निकाला, और मुझे याद है करीब 3 साल पहले उन्होंने आहा जिंदगी मैगजीन के लिए हिमालय पर एक कवर स्टोरी लिखी। तो मैं हैरान था कि उस स्टोरी की भाषा, उसका रिसर्च, वो सारी चीज़ें इतने बड़े आयाम लिए हुए थी कि लगता था कि इस पर उनको पूरा काम करना चाहिए। ये बात मेरे मन में थी लेकिन मैंने कही नहीं। फिर अचानक 1-1.5 साल बाद पंत जी ने बताया कि वो बेचैनी उनको हिमालय के और ज़्यादा सुदूर इलाकों तक ले गई और कश्मीर, काठमांडू आदि की त्रासदियों से वो इतने विचलित हुए कि उन्हें लगा कि हिमालय के उन सारे आयामों को बहुत रिसर्च करके बहुत बेहतर ढंग से पाठकों के सामने रखना उनको उपयुक्त लगा, और उन्होंने अपने काफ़ी परिश्रम से, वो हिमालय से हैं, चमौली से हैं, तो अपने बचपन की यादों को, अपने दोस्तों को, अपने संपर्कों को उन्होंने फिर से एक तरह से रिवाइव किया और बेहतरीन प्रयास किया हिमालय का कब्रिस्तान लिखने में। मैं पंत जी से आग्रह करूंगा कि उस किताब के लिखने से जुड़े हुए कुछ अनुभवों को वो आपके साथ साझा करेंगे। लक्ष्मी प्रसाद पंत जी। जैसा कि इसका शीर्षक है, ये पूरी हिमालय की यही कहानी है। जब नमिता जी से मेरी इस किताब को लेकर बात हुई थी तो जैसे ही मैं भोपाल से, मेरी पहली मुलाकात इस किताब को लेकर जब मैं भोपाल से दिल्ली आ रहा था तो फ्लाइट में मेरी बराबर की सीट में अचानक ही नमिता जी मुझे मिल गई। तो बातचीत में ये किताब से डिस्कस बातचीत हुई, जब मैंने इनसे टाइटल शेयर किया तो उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा कि ये नहीं, और सोचेंगे हम। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि ये कब्रिस्तान, अगर केदारनाथ त्रासदी को 3 साल हो चुके हैं, अगर आज भी आप केदारनाथ जाएंगे, उसके आसपास के पहाड़ियों पर जाएंगे तो वहाँ आज भी डेड बॉडियाँ पड़ी हुई हैं। तो अगर आप लोगों को कब्रिस्तान का मतलब ये था कि शिव जो है शमशान में ही रहते हैं, तो जब मैं वहाँ एज ए रिपोर्टर के तौर पर गया, एक पत्रकार के तौर पर गया, तो वहाँ पर डेड बॉडी के ऊपर चलते हुए हम लोग गए थे। मेरे एक साथी फोटोग्राफर थे उपेंद्र स्वामी, जो इसका कवर शीर्षक का फोटो देखेंगे वो एक्चुअल में फोटोग्राफ है। तो गिद्ध वहाँ केदारनाथ मंदिर के आगे गिद्ध मंडरा रहे थे, डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी। और सोचिएगा, हम 15 और 16 जून को ये हादसा हुआ था और मैं 19 जून को वहाँ पहुँचा था, तब भी वहाँ न सरकार पहुँची थी न रेस्क्यू के लोग पहुँचे थे, और डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी। तो शीर्षक यहाँ से निकल के आया कि भाई एक हिमालय का जो कब्रिस्तान है वो वहाँ, हमने कहने को तो हिमालय वो युवा पहाड़ है लेकिन नीतियों के कारण उसके वो बूढ़ा हो गया है, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, उसकी हम उसको हमारा देखने का नज़रिया या तो खूबसूरती है या देवतुल्य आस्था है, इससे ज़्यादा हम हिमालय को देख नहीं पाते। तो इस किताब के अंदर एज ए रिपोर्टर के तौर पर जो मैंने फील किया, जो महसूस किया, जो हिमालय की जो बेचैनी है, जो छटपटाहट है, मैं उसको किताब तक ला पाया हूँ। यहाँ पढ़िएगा इस किताब पे,
दो चीजें इस किताब की बहुत महत्वपूर्ण है. एक इसका पार्ट ये है कि ये जब मैं पत्रकार था 2004 में, मैं दैनिक जागरण में रिपोर्टर था, तो 2004 में मैंने एक रिपोर्ट लिखी थी कि ये केदारनाथ में तबाही कभी भी आ सकती है. और इसके मेरे पास पूरे दस्तावेजी सबूत थे मेरे पास कि वाडिया इंस्टीट्यूट ने, जो हिमालय इकोलॉजी पे काम करता है, उसने पूरी स्टडी की थी. उसने बताया था कि हिमालय में त्रासदी, केदारनाथ में त्रासदी किस रूप में आने वाली है. और 2004 में वो रिपोर्ट पब्लिश भी हुई थी, लेकिन उसके बाद सरकारों ने कोई काम नहीं किया. जो रिपोर्ट में बताया गया था सब कुछ वैसा ही हुआ. आप देखिएगा कि जब मैंने वो 2004 में वो रिपोर्ट लिखी थी, उसका इम्पैक्ट इस रूप में निकल के 2013 में आएगा, मैं भी हैरान था. एक पत्रकार के तौर पर जब आप कोई खबर लिखते हैं तो उसका इम्पैक्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है कि भाई जो आपने खबर लिखी वो सही थी या गलत थी. तो जब भी मैं हिमालय में पत्रकार के तौर पर, मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ, मेरे आसपास मेरे पहाड़ हैं, खूबसूरती है, लेकिन जब मैं पत्रकार के तौर पर हिमालय जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर सिर्फ त्रासदी के अलावा, मैंने सिर्फ त्रासदियाँ कवर की है. जब भी मैं रिपोर्टर के तौर पर पत्रकार, तो मैंने वो सारी थी, केदारनाथ के बाद कश्मीर हुआ, कश्मीर के बाद काठमांडू हुआ, सबकी त्रासदियाँ एक जैसी ही हैं. और आपको हैरानी होगी कि आप इसको पढ़ेंगे, इसमें वो सबूत हैं सारे के सारे कि सरकारी दावा 10,000 लोगों की मौत का है, लेकिन 31,000 लोगों की मौत के दस्तावेजी सबूत हैं हमारे पास किताब के अंदर. और 10,000 मौतें भी आप सोच के हैरान होंगे कि वो सारी मौतें हादसे के बाद हुई हैं. मतलब जो तबाही, जो 15-16 जून को जो तबाही हुई थी, उसमें मौतें नहीं हुई, मौतें रेस्क्यू में देरी के कारण हुई. 3-4 दिन बाद रेस्क्यू शुरू किया गया, लोग बचने के लिए ऊंचे पहाड़ों पर चले गए, वहाँ राहत टीम उन तक नहीं पहुंची और भूख प्यास से लोग मारे गए. आप सोचिएगा कि मैं हादसे के बाद मैं 4 बार केदारनाथ गया हूँ, चारों बार आज भी, आज की डेट में भी वहाँ डेड बॉडियाँ पड़ी हुई हैं. सुंदरता से मंदिर को सजा दिया गया है, खूबसूरती, चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दी गई हैं, लेकिन आज भी वहाँ पे जो मकान दबे पड़े हैं उनके डेड बॉडियाँ वहाँ पड़ी हुई हैं. फ्रीजर है हिमालय अपने आप में, इसलिए वो डेड बॉडियाँ वहाँ पर सुरक्षित हैं. लोग आज भी वहाँ पर ढूंढने जाते हैं, अपने लोगों को तलाशने जाते हैं. तो एक सच है जिस आप पढ़िएगा इसके अंदर कि किस तरीके से हिमालय का वो चेहरा इसमें है जो हमको ना दिखता है ना दिखाया जाता है. तो इस किताब के अंदर वो सारी चीज़ें आप पढ़िएगा, और मैं चाहूँगा कि आप उसको पढ़िएगा, उस दर्द को, उस बेचैनी को महसूस कीजिएगा. धन्यवाद पंत जी. इस किताब में एक बड़ी ही खूबसूरत लाइन है, आपदाओं का एक ही खुशनुमा चेहरा होता है कि इससे लोग आपस में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के हमदर्द हो जाते हैं. भारत में कई तरह की आपदाएं रही हैं, हम एक सांस्कृतिक आपदा से भी गुजरते हुए समाज हैं, और साहित्य चाहे भौगोलिक आपदा हो चाहे सांस्कृतिक आपदा हो, उसको अपने भीतर प्रतिबिंबित करता है और सत्य के साथ खड़ा होता है. हमारी भाषा के एक बड़े लेखक हमारे बीच यहाँ पर हैं, उदय प्रकाश जी. उनके पाठक महाराष्ट्र से केरल तक और बंगाल से पंजाब तक बहुत सारी भाषाओं में फैले हुए हैं. ये अफसोस की बात है कि वो राष्ट्रीय फलक पर समाचार में तब आए जब उन्होंने साहित्य अकादमी का पुरस्कार लौटाया, और ये उनकी दृढ़ता को सलाम करते हैं. लेकिन हमें इस सवाल पर सोचना चाहिए कि एक लेखक 25 साल से हिंदुस्तान की सारी भाषाओं में अनुदित होकर लाखों पाठकों द्वारा पढ़ा जा रहा है, और उसकी वो छवि, उसकी वो पहचान बनने में कोई विवाद आता है तब लोग उसे जानते हैं, तो जनता साहित्य से और गहराई से जुड़े. आप उस उदय प्रकाश को भी जानें जो तिरिच और अंत में प्रार्थना और ऐसी बेहतरीन किताबों के लेखक हैं. हिंदुस्तानी समाज पिछले 20-25 सालों से जिस दौर से गुजरा है उसकी छायाएं उनकी कृतियों में हैं. मैं उदय प्रकाश जी को बुलाता हूं, उदय प्रकाश जी को शब्द कहें. नहीं, मैं देखिए, मैंने अचानक, मुझे कहा गया कि इस किताब पर बोलना है, और मैं बहुत अनुपयुक्त व्यक्ति स्वयं को पा रहा था, इसलिए कि मैं जहां से हूं, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से से, छत्तीसगढ़ की सीमा से, मैंने हिमालय देखा ही नहीं. 3 ही बार देखा है. एक बार मुझे याद है 69 में मैं जा रहा था शिमला, तो ट्रेन की खिड़की से दिखाई पड़ा था, बहुत सुंदर था, विभूत करने वाला, इतना ऊंचा, इतना बड़ा, विशाल,
कि लगा कि यह है महानता, इसको कहते हैं ग्रेटनेस। और वो कहते हैं ना, वो कौन था, वेन सांग था कौन था, उसने कहा कि भारत जो है वो इसीलिए जाना जाएगा कि यहाँ बड़ी महान चीज़ें होती हैं, हिमालय है, पीपल है और हाथी है। तो वो महानता के दर्शन हुए थे। फिर एक दो बार एरोप्लेन से देखा हिमालय को, मैंने कैलेंडर्स में देखा, पेंटिंग्स में देखा, और हिमालय को कभी देखा नहीं। लेकिन आज जब ये मिले मुझे पंत जी, और इन्होंने इसका शीर्षक दिया और ये बताया कब्रिस्तान, तो मुझे याद आया कि हम लोग बचपन में स्कूलों में पढ़ते थे कि हिमालय भारत का सिर है। अब आप कल्पना करिए कि जहाँ सिर में लाशें दबी हुई हों, अगर अगर भारत का सिर कब्रिस्तान है, तो हम लोग किस दुख में और किस तरह से आक्रांत हैं उस भय से, उस शोक से आज भी। और एक बात और हो रही थी जिसको मैं मानता हूँ कि जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़, उनको वो उपज होती हैं, उनको मैनेज किया जा सकता है, प्रबंधन होता है। मैं तो परेशान हो जाता हूँ कई बार कि जहाँ कैपेसिटी नहीं होती है लोगों की, उतने लोगों के पहुँचने की, वहाँ उतने लोग पहुँच जाते हैं। और ये हर जगह हो रहा है, ये प्रयाग में भी हो रहा है। उतनी आबादी को कहीं पर ले जाना और उनका प्रबंधन न करना, उनकी चिंता न करना, फिर ऐसे कोई हादसे हो जाएं जैसे इन्होंने बताया अभी। और ये सच है कि अधिकांश मौतें जो हुई हैं वो उस क्लाउड बर्स्ट से या फ्लड से नहीं, उसके बाद जो लोग किसी तरह से वहाँ से भाग चुके थे उन तक राहत सामग्री न पहुँचने के कारण हुई है। और ये आज भी हो रही है, बहुत से लोग अब भी मेरे ख्याल से 30,000 के आसपास लोग लापता हैं। तो ऐसे में इस किताब का आना, यह तो लगता है कि पत्रकारिता, ज़्यादातर हम लोग आजकल जैसे न्यूज़पेपर्स को देख रहे हैं कि अधिकतर वो उन खबरों को सामने ला रहे हैं जो जो राजनीतिक या दूसरी तरह के मुद्दों को उठाती हैं। लेकिन कोई पत्रकार ऐसा भी है जिसको इस बड़ी चिंता से जुड़ा हुआ जिसको पाते हैं, देखते हैं, तो खुशी होती है। मैं सिर्फ बधाई ही दे सकता हूँ और इस किताब को पढ़ूँगा। और जा रहा हूँ 28 तारीख को नेपाल, तो पहली बार हिमालय देखूँगा, और ये 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 खुशी की बात होगी। धन्यवाद। मैं नमिता गोखले जी से आग्रह करूँगा कि वो आएँ और किताब का विमोचन अब आपके सामने होगा। नमिता जी, आपका विमोचन। पुस्तक का विमोचन हुआ। अब आप लोगों के लिए एक सूचना यह है कि यहाँ पे बुक शॉप्स हैं, वहाँ पर ये किताब मौजूद है। तो आपकी हिमालय में दिलचस्पी हो, हिंदुस्तान में दिलचस्पी हो और उसमें घट रही चीज़ों में दिलचस्पी हो, तो ये किताब एक राह का काम करेगी। आप ये किताब खरीदें, पढ़ें। शुभकामनाएं, धन्यवाद।